फ्रेंड्स देखंतु ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर जहाँकि आपण माने समस्ते जानते एम्स ठीक अच्छे तो यहाँ आप भुवनेश्वर एम्स तरफ गोटे निजुक्ति रोचे जहाँकि संपूर्ण आड्रेस देखिपारे सीजुआ पोस्ट रोचे डुमडुमा भुवनेश्वर जहाँकि आप एम्स तरफ गोटे निजुक्ति वाक इन इंटरव्यू रहा केवल साक्षात्कार मध्यम निजुक्ति रोचे तो कौन रोचे पोस्ट आपणकर तो ये कौन के सालरी मिल क्वालिफिकेशन कौन मागिच सबकि डिटेल्स जानवा इंटरव्यू केवे र पॉइंट बाय पॉइंट बुझा एंड देखा कौन सब रोच डिटेल्स ठीक अच्छे तो आपड़ोटी कम्प्लीटली देखी ताले डिटेल्स बुझीपारे तो फास्ट मुझे गोटे पॉइंट कहबी जब आपंथ टी पास करो आपण मानी पोस्ट रोचे ठीक अच्छे भिडटी देखी ताले बुझीपारे तो ये देखो फास्ट पोस्ट आपंकर साइंटिस्ट सी रोटे वैकेंसी रोचे युआर कैटेगरी एज लिमिटेड ये 40 वर्ष बयस मागिच लोकेशन ऑफ पोजीशन एम्स भुवनेश्वर ठीक अच्छे ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट आपनकर 12 मंथ रहइबो मंथली सैलरी 67,000 ठीक अच्छे 67,000 रहउछि आपनकर मंथली सैलरी क्वालिफिकेशन मागिच फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक रहउछि तो ये देखंतु और मध्ये रहइछि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ठीक अच्छे एटी अर्रे मध्य रही सेकेंड क्लास एमएससी रोचे ता सहित देखू पीएचडी ठीक अच्छे अर्रे मध्य रही बीटेक बायोटेक्नोलॉजी रोचे तो ये सब रोचे तो आप देखे ने अर्रे बहुत गुड़ा रही तो आप देखे ने जहाँकि साइंटिस्ट सी देखु साइंटिस्ट सी डेट रोचे 28/10/2021 28/10 इंटरव्यू रहा ठीक अच्छे टाइम रोचे 9:00 आप इंटरव्यू रोचे ठीक अच्छे तापर देखंतु सेकेंड पोस्ट आपनकर रिसर्च असिस्टेंट ठीक अच्छे रिसर्च असिस्टेंट रोचे गोटे वैकेंसी ये आपनकर यूआर कैटेगरी जदि आम एज लिमिट देखा 30 वर्ष बयस लोकेशन ऑफ पोजीशन रोचे एम्स भुवनेश्वर ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट रही 12 मंथ रोचे ठीक अच्छे तो ये आप मंथली सैलरी 35,000 पर मंथ रही आम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा ग्रेजुएट बीएससी बीटेक ठीक अच्छे ग्रेजुएट बीएससी बीटेक करेंगे तो ये जूलोजी बायोकेमिस्ट्री मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ठीक अच्छे तो यही सब रोचे अर्रे मध्य रही पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ठीक अच्छे तो जेनेटिक तो ये सब रोचे तो आप देखे ने तो ये आप दुई वर्ष वर्किंग एक्सपीरियंस मागिजे जदि आम इंटरव्यू डेट देखा 28/10/2021 9:00 आप इंटरव्यू रोचे ठीक अच्छे थर्ड पोस्ट देखते ये आप लैबोरेटरी टेक्नीशियन रोचे ठीक अच्छे लैबोरेटरी टेक्नीशियन ट्रिपल आई रोचे दुई गोटी वैकेंसी रहाकि युआर कैटेगरी ठीक अच्छे तो ये आप एज लिमिट रिश वर्ष बयस लोकेशन ऑफ पोजीशन एम्स भुवनेश्वर ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट रार मंथ रोचे सैलरी ये आपंकर 20,000 पर मंथ सैलरी ठीक अच्छे तो ये क्वालिफिकेशन मागिच देखते बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी करेंगे सहित देखते ये आप प्लस टू साइंस मागुच ता सहित आप दुई वर्ष डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी करेंगे और मध्य रही 1 ईयर DMLT करेंगे तो ये आपंटरव्यू देपारे ठीक अच्छे ता सहित आपंकर एक्सपीरियंस कि रही ठीक अच्छे इंटरव्यू डेट देखो 28/10/2021 28/10 आपंटरव्यू रम रही 9:00 आप इंटरव्यू ठीक अच्छे तापर देखते ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर ठीक अच्छे डाटा एंट्री ऑपरेटर पर रोचे गोटे वैकेंसी तो ये आप एज लिमिट मागुच 28 वर्ष बयस लोकेशन ऑफ पोजीशन रोचे देखते एम्स भुवनेश्वर ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट 12 मंथ रोचे ठीक अच्छे मंथली सैलरी आप 20,000 पर मंथ रदि आम क्वालिफिकेशन देखा तो देखते ग्रेजुएशन करेंगे ठीक अच्छे ग्रेजुएशन करेंगे नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री वर्क ठीक अच्छे तो नॉलेज थी आप डाटा एंट्री वर्क ता सहित आपने ग्रेजुएशन कर दरकार दुई वर्ष आप वर्क एक्सपीरियंस मागिजी ठीक अच्छे तो ये सब रोचे तो आपने देखे ने स्पीड टेस्ट रोचे जहाँकि आप जोटा कि स्पीड में नलेज थी दरकार ठीक अच्छे इंटरव्यू डेट देखो 29/10/2021 तो देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर 29/10/2021 आप इंटरव्यू रकाल 9:00 आप टाइम रोचे ठीक अच्छे तापर पोस्ट देखंतु मल्टी टास्किंग स्टाफ जहाँकि MTS रोचे ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स देखी नियंतु मल्टी टास्किंग स्टाफ पर रोचे ये MTS रोचे गोटे वैकेंसी युआर कैटेगरी रोचे ये आप 18-25 वर्ष बयस मागिच लोकेशन देखंतु एम्स भुवनेश्वर 12 मंथ आपंकर मंथली सैलरी 18,000 पर मंथ रही ठीक अच्छे
एथरे आपनकर क्वालिफिकेशन मागिजी देखंतु 10th पास करथिले मु फर्स्ट रु कहितली जे माने दशम पास करचंती ए वीडियो भी देखि नियंतु कारण आपन मन पई मध्ये एथरे पोस्ट होउची ठीक अछि। तो आसी गला एमटीएस पई आपनकर दशम पास करथिया पिला मन पई एमटीएस पदवी अछि तो से माने इंटरव्यू दे परबे ठीक अछि। जे माने भी मैट्रिक पास करचंती एमटीएस पई इंटरव्यू दे परबे देखंतु इंटरव्यू डेट रहउची 29/10/2021 आपनकर इंटरव्यू रहइबो तो आपन माने 9:00 रे एटी पहुँच पारे अच्छे ठीक अच्छे। इंटरव्यू भेन्यू रे एम्स भुवनेश्वर रे पहुँच पारे अच्छे ठीक अच्छे। तापर देखंतु हाउ टू अप्लाई रहउची केमती अप्लाई करिवे देखंतु आपनकर इंटरव्यू रहइबो किंतु ता पूर्वर आपनको अप्लाई करिवार अच्छे। तो एटी अप्लाई मोड रहउची आपन माने ए ईमेल एड्रेस को पठाइबे एप्लीकेशन फॉर्मेट सहित जहाँ भी आपनकर क्वालिफिकेशन ला सर्टिफिकेट रहउची एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहउची पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहउची तो आपनको अटैच करके तो ये जो ईमेल आड्रेस देखुंत अंडरलाइन हो ईमेल आड्रेस को आपको सेंड करार अच्छे। तो केवे ना आपको देखो इंटरव्यू मनकर आप 28 स्टार्ट हो तो 28 तारीख पूर्व आपको ये जो ईमेल आड्रेस को सेंड करार अच्छे। तो मैंने 28 पूर्व आपको अप्लाई करार अच्छे आप वर्क इन इंटरव्यू रहा 28-29 रही है ठीक अच्छे। तो 28 तारीख में जो पोस्ट रहा से पोस्ट इंटरव्यू दे पारे 29 जो पोस्ट रही है इंटरव्यू दे पारे ठीक अच्छे। किंतु आपको ईमेल आड्रेस को अप्लाई करार अच्छे ठीक अच्छे। तो देखंतु जो माने भी इच्छुक अच्छा अप्लाई करें किंतु देखंतु फास्ट आपको ईमेल को पठेबार अच्छे ठीक अच्छे। जो माने इच्छुक अच्छा फास्ट ईमेल को पठे दिंतु तापर आप इंटरव्यू दे पारे। तो देखुं आपनारे एप्लीकेशन फॉर्मेट रोचे सब ठीक ठाक फिलअप करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो लगे लगे आपको से जो ईमेल आड्रेस को पठेबार अच्छे पठेदेवे आप इंटरव्यू रहा ठीक अच्छे। तो भी फ्रेंड्स ये थिला एम्स भुवनेश्वर तरफ गोटे निजुक्ति तो डिटेल्स जानले जो माने भी इच्छुक अच्छा अप्लाई करें भुवनेश्वर एम्स रे आपंकर पोस्टिंग रहइब ठीक अच्छे। जदि आपण माने चाहूंती एमतिका जॉब्स रे अपडेट पाई ताले यूट्यूब रे सर्च करंतु ओडिशा फास्ट जॉब तो आम चैनल आसी जिवो सेउठ आपण माने जॉब्स अपडेट पाई परिबे।